नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। आपने जब अपनी बेटी को देखा था आखिरी बार अंतिम संस्कार के पहले, तो क्या बीत रही थी आपको? 60 साल 62 साल मेरा उम्र है, इतना साल से हम जो कुछ किया है हम लोग सब उस दिन में पानी में बहा दिया। इसका ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, इसका बारे में आप लोग मत पूछिए, आपका बस मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा दिल तोड़ गया। आज हम आपको ले चलेंगे कोलकाता के उस खौफनाक हत्याकांड की तह तक जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह कहानी है एक ट्रेनी डॉक्टर की जिसकी दर्दनाक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह महज एक हादसा था या इसके पीछे है कोई बड़ी साजिश? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से दरिंदगी की हदें पार कर दी गई उससे पूरा देश गुस्से में है। लेकिन डॉक्टर बेटी को इंसाफ कैसे और कब मिलेगा? अब यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस भयानक रेप और हत्याकांड पर अब जांच कम और सियासत ज्यादा हो रही है। इसका जीता जागता सबूत यह है कि 14 अगस्त की रात कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के सामने अचानक से उपद्रवियों की भारी भीड़ जमा हो गई और फिर देखते ही देखते उस भीड़ ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टरों पर भी अटैक कर दिया। साथ ही हॉस्पिटल के अंदर घुसकर भी उन्होंने खूब तांडव मचाया। ऐसे में यह जानना और इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिर इस भीड़ को किसने भेजा था और हॉस्पिटल में इस तरह से तोड़फोड़ करने के पीछे उनका मकसद क्या था। यानी यह केस दिन ब दिन और भी उलझता ही जा रहा है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर वह कौन व्यक्ति है या फिर वह कौन ऐसा बड़ा पैसे वाला आदमी है जो इस केस को दबा देना चाहता है, जिसकी वजह से आधी रात को हजारों की तादाद में उपद्रवी इकट्ठा होकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहां पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। हालांकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से इस वारदात में और भी कई लोगों का हाथ हो सकता है, चाहे वह लोग बाहर के हों या फिर वह लोग हॉस्पिटल स्टाफ के ही रहे हों। लेकिन जब यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया था तो उसके बाद ही आधी रात को उपद्रवी वहां पहुंचे थे और उन्होंने हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इसका मतलब यह है कि अगर इस तरह से अचानक कुछ लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, फिर वह हॉस्पिटल में घुस जाते हैं और साथ ही साथ जहां पर यह घटना घटी थी यानी जो क्राइम सीन है उस जगह पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं। यह सारी चीजें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करती हैं। पुलिस उस समय क्या कर रही थी? हॉस्पिटल का शासन उस समय क्या कर रहा था? उन लोगों ने उन्हें रोका क्यों नहीं? या फिर इसमें किसी रसूखदार का लिंक है? यानी इस पूरे मैटर में कोई तो चाह रहा है कि सारे सबूतों को मिटा दिया जाए, क्योंकि जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल सतीश घोष हैं उनके बारे में भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। जब उनसे इस घटना के बारे में बात करने की कोशिश की गई तो प्रिंसिपल सतीश घोष ने इस दुखद मामले पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया। प्रिंसिपल सतीश घोष किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। लेकिन जब उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट रह चुके अख्तर अली से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रिंसिपल सतीश घोष के बारे में कई खुलासे किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस समय जो मौजूदा प्रिंसिपल है वह पॉलिटिकल रसूख रखते हैं, यानी उनका पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा गहरा नाता है और इसी वजह से वह बचे हुए हैं। साथ ही उन्होंने प्रिंसिपल पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने क्या आरोप लगाए वह एक बार आप उन्हीं से सुन लीजिए। वह बहुत ही करप्ट आदमी है। मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर 20% कमीशन लेना, हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफ हो, सब जगह वह पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर स्टूडेंट्स के साथ बैठ करके शराब पिलाते थे और उन स्टूडेंट्स से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा कह सकते हैं। मैंने अपने पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। तो सुना आपने,
अख्तर अली बता रहे हैं कि किस तरीके से इस कॉलेज के अंदर पैसे लेकर सीट दी जाती है और डिपार्टमेंट चुने जाते हैं। और भी बहुत सारी धांधली बाजी वहां पैसों के बेसिस पर होती है। लेकिन इससे पहले वीडियो में हमने पुलिस को लेकर जो सवाल उठाए थे कि पुलिस ने किस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर की मौत को सामान्य मौत बता दिया था, यानी पहले तो पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। हालांकि बाद में पुलिस जब एक्टिव हुई और एक अपराधी को पकड़ा भी, लेकिन अभी भी इस केस को लेकर कई तरह के सवाल हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हों, बल्कि इससे पहले भी कोलकाता पुलिस पर सवाल उठ चुके हैं और वह भी उसी हॉस्पिटल को लेकर, यानी पहले भी इसी आरजी कर मेडिकल कॉलेज को लेकर ही सवाल उठे थे, क्योंकि ऐसा ही एक केस 2001 में सामने आया था। इस घटना को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में इस तरीके की गंदी और घटिया चीजें एक हॉस्पिटल के अंदर हो सकती हैं। साथ ही आप यह सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि यह हॉस्पिटल है या किसी और चीज का अड्डा। और अगर यह सारी चीजें उस समय हुई थीं, तो आखिर पुलिस ने उस समय भी ठीक ऐसा ही रिएक्ट क्यों किया था? दरअसल साल 2001 में सौमित्र विश्वास नाम का एक लड़का इस मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता था। सौमित्र विश्वास भी कोलकाता का ही रहने वाला था। उसने घटना से एक दिन पहले अपनी मां से बात की और कहा कि वह कल घर आएगा। लेकिन अगले दिन आरजी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में सौमित्र विश्वास की लाश पंखे से लटकी हुई मिलती है। इसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी जाती है और फिर तुरंत ही पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस वाले पहले उसकी लाश को नीचे उतारते हैं और फिर थोड़ी जांच करने के बाद पुलिस कहती है कि यह तो एक सामान्य मौत है, यानी लड़के ने खुद ही मौत का रास्ता चुना है और उसने खुदकुशी की है। लेकिन सौमित्र विश्वास के माता पिता यह बात मानने को तैयार नहीं थे कि सौमित्र ने खुदकुशी की है। उनका कहना था कि उनका बेटा ऐसा क्यों करेगा। इसके बाद यह केस कोर्ट में पहुंचता है। सौमित्र विश्वास के घर वाले कहते हैं कि हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, वह एक होनहार बच्चा था। उसकी मां बताती है कि सौमित्र विश्वास ने मुझे फोन किया था और उसने अपनी मां से दो दिन बाद घर आने की बात कही थी। उसने कहा था कि मां हमारे एग्जाम हो गए हैं, इसलिए मैं दो दिन बाद घर आ जाऊंगा। उसकी मां का कहना था वह अचानक ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इस पर कोलकाता पुलिस ने उस समय कहा था कि सौमित्र ने किसी लड़की से अफेयर के चलते अपनी जान दी है, यानी वह प्यार में फेलियर था। वह किसी लड़की से प्यार करता होगा और उस लड़की ने सौमित्र को प्यार में धोखा दिया होगा, जिसकी वजह से सौमित्र विश्वास ने मौत का रास्ता चुना। लेकिन सौमित्र की मां पुलिस की इस थ्योरी को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह अकेली ही डटी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं यह मान ही नहीं सकती कि मेरे बेटे ने खुद अपनी जान दी है। सौमित्र विश्वास की मां का कहना था कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर यह केस दोबारा रीओपन किया गया और फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। लेकिन जब पूरा मामला खुला तो इस हॉस्पिटल के बारे में एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल इस घटना में कोलकाता पुलिस उस समय अमिता दास नाम की एक लड़की को अरेस्ट करती है। अमिता दास भी उसी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ती थी। अमिता को अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। इधर जब अमिता को अरेस्ट कर लिया जाता है तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सौमित्र विश्वास का एक तरीके से मर्डर हो गया था। और जब यह सारी चीजें सामने आई तो फिर कुछ स्टूडेंट्स भी खुलकर सामने आते हैं और वह स्टूडेंट्स आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई सामने रखते हैं। उस समय TNN की रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया था कि उन लोगों ने उस कॉलेज में और उस हॉस्टल में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी। साथ ही उन्होंने वहां पर बहुत सारी चीजें अपनी आंखों से भी देखी थी और साथ ही कुछ पोर्नोग्राफी का काम भी होता है, यानी ब्लू फिल्म्स बनाने का काम भी किया जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े और फेमस हॉस्पिटल में यह सब चीजें कैसे होती थीं? दरअसल इस पूरे रैकेट में कुछ स्टूडेंट शामिल हैं, साथ ही कुछ डॉक्टर भी शामिल थे और कोई पॉलिटिकल लीडर भी इसमें उनके साथ मिला हुआ है जिसकी अंडर में यह सारा काम होता था। खैर, जब अमिता दास यानी जो सुमित्रा विश्वास की दोस्त थी उससे पूछताछ की जाती है तो वह भी इस रैकेट को लेकर कई बड़े खुलासे करती है। वह हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे।
लेकिन जब आगे की इन्वेस्टिगेशन होती है तब स्टूडेंट सड़कों पर आ जाते हैं। उनका कहना था कि सुमित्र विश्वास ने उस रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसीलिए उसका कत्ल किया गया है। तहकीकात होने पर यानी TNN के रिपोर्टर्स ने जब इस मामले में और भी चीजों के बारे में पूछा तो पता चलता है कि वहां हॉस्पिटल में वीकेंड पर यानी छुट्टी के दिन लड़कियों को बुलाया जाता है, सेक्स वर्कर्स का इंतजाम किया जाता है। उस मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्टल्स हैं उनमें से एक हॉस्टल के अंदर बाकायदा एक स्पेशल रूम बना हुआ है। उस रूम के अंदर ट्राइपॉड रखा हुआ है, एक टेबल भी पड़ी हुई है, रिफ्लेक्टर्स रखे हुए हैं, लाइटें भी लगी हुई हैं। वीकेंड के दिन जब बच्चे बाहर होते हैं या छुट्टी पर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट इसमें इवॉल्व हैं वह वीकेंड के दिनों में भी वहीं रहते हैं। इसके बाद वहां पर सेक्स वर्कर्स को बुलाया जाता है और फिर पॉर्न फिल्म शूट की जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता था कि जब लड़कियां नहीं मिलती थीं, यानी सेक्स वर्कर्स नहीं मिलती थीं, तो ऐसे में RG कर मेडिकल कॉलेज से डेड बॉडी उस जगह लाई जाती थी। वह डेड बॉडी जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ होता था, जिनकी चीरफाड़ नहीं की गई होती थी, यानी जो डेड बॉडी सही सलामत होती थी, उनको वहां लाया जाता है। फिर उनकी न्यूड बॉडी शूट की जाती है और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाती थी। इसके बाद उन वीडियोस की एडिटिंग की जाती थी, उन्हें मॉर्फ किया जाता था, उनके चेहरे को चेंज कर दिया जाता था। यानी एक डेड बॉडी के साथ पॉर्न फिल्म शूट की जाती थी और फिर उसके ऊपर किसी और का चेहरा लगा दिया जाता था। जब कॉलेज के बच्चों ने इस पर बोलने की कोशिश की, इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, तो उन्हें डराधमका कर चुप करा दिया गया, जिसकी वजह से उन लोगों ने फिर कभी आवाज नहीं उठाई। लेकिन सुमित्र विश्वास इसका शिकार हो गया था क्योंकि उसकी दोस्त भी उस रैकेट का शिकार हो गई थी। हालांकि उसने उससे पहले कभी कुछ नहीं बोला था, लेकिन जब बात उसकी दोस्त अमिता दास पर आई, जब उसकी फोटो मॉर्फ की गई और एक न्यूड शरीर के ऊपर लगा दी गई, इसके बाद उस वीडियो को प्रसारित कर दिया गया, तो तब सुमित्र विश्वास ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। फिर 25 अगस्त को छात्रावास के कमरे में उसकी लाश मिलती है और वह भी इस तरीके से कि उसके मुंह में एक रुमाल ठूसा हुआ था, जिसकी वजह से उसके घर वाले बार बार कह रहे थे कि हमारे बेटे को कत्ल किया गया है। RG करर मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्टल में रूम नंबर 15 है। TNN की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि जब TNN के रिपोर्टर उस हॉस्टल के रूम 15 में पहुंचे तो वहां पर उन्हें नहीं जाने दिया गया। उन्हें वहां जाने से रोकने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन फिर किसी तरह से TNN के रिपोर्टर उस हॉस्टल के रूम नंबर 15 तक पहुंचे। जब उन्होंने उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह खुल नहीं रहा था। उसका दरवाजा बहुत टाइट बंद किया गया था। उस कमरे की बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद वो लोग अंदर पहुंच जाते हैं। TNN रिपोर्टर अंदर देखते हैं कि जो बच्चों ने बताया था, वहां पर एक ट्राइपॉड, रिफ्लेक्टर्स, लाइट और टेबल मौजूद थे, यानी सब कुछ वहां पर रखा हुआ था। इस पर उन्होंने एक रिपोर्ट छापी और कहा कि जो बच्चों ने बताया था उनकी बातों में दम लगता है। उस कॉलेज के अंदर और साथ ही वहां जो हॉस्टल बनाए हुए थे उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती थी। ऐसे में एक डॉक्टर बहुत फेमस हुए थे। वह डॉक्टर भी इसी RG करर मेडिकल कॉलेज में ही ड्यूटी करते थे। उन्होंने सुमित्र विश्वास की मौत के बारे में अपनी बात रखी तो तब पूरी तरह से साफ हो गया था कि सुमित्र विश्वास की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कोई साजिश थी। जैसे उस केस में सुमित्र के मुंह में रुमाल ठोसने की बात कही गई थी, ठीक वैसे ही ट्रेनी डॉक्टर जिनका अभी हाल ही में सेमिनार हॉल में रेप के बाद बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, उसमें भी एक रुमाल की बात सामने आई थी। यानी 2001 में सुमित्र विश्वास केस में भी रुमाल की एक ऐसी ही कड़ी थी जो आज तक अनसुलझी है। आप सोचिए यह कितना रहस्यमय या मिस्टीरियस हॉस्पिटल है। आप सोचिए कैसे एक लाश को निकालकर उसके साथ पोर्नोग्राफी बनाई जाती है। उस समय यानी 2001 की हम बात कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर दिया जाता था, यानी उस लाश के चेहरे को हटाकर एडिटिंग करके किसी और जिंदा लड़की की तस्वीर लगा दी जाती थी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय भी इस हॉस्पिटल में कितना हीनियस क्राइम होता था। खैर, अब हम आते हैं ट्रेनी डॉक्टर केस की तरफ। जैसे उस समय सुमित्र विश्वास की मौत को पुलिस ने सामान्य मौत घोषित कर दिया था, ठीक वैसे ही इस केस में भी पहले यही साबित करने की कोशिश की गई कि ट्रेनी डॉक्टर ने भी खुदकुशी की है।
हालांकि मौका वारदात को देखकर पहली ही नजर में कोई भी इसे कत्ल का मामला समझ सकता था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने पहले इस सिलसिले में सामान्य मौत का केस दर्ज किया। जबकि वारदात का शिकार हुई डॉक्टर न सिर्फ उसी हॉस्पिटल में काम करती थी बल्कि उसकी बुरी तरह से जख्मी लाश हॉस्पिटल के अंदर ही सेमिनार हॉल में पड़ी थी। ऐसे में कत्ल के बजाय खुदकुशी का केस दर्ज करने के पीछे आखिर क्या वजह है, कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। मामले की जांच कर रही सीबीआई को अब इसके पीछे की वजह भी जाननी होगी। एक सवाल यह भी है कि इस पूरे मामले में ट्रेनी डॉक्टर के उन चारों डॉक्टर सहकर्मियों की क्या भूमिका है, क्योंकि वारदात से पहले रात को पीड़ित डॉक्टर ने अपने चार कलीग्स के साथ ही डिनर किया था। इसके बाद उसके बाकी कलीग्स तो वहां से चले गए, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर ने अकेले ही उस सेमिनार रूम में सोने का फैसला किया और जिसके बाद यह वारदात हुई। फिलहाल सीबीआई भी यह जानना चाहती है कि उस ट्रेनी डॉक्टर को आखिरी बार जिंदा देखने वाले उसके दोस्तों से उसकी क्या बात हुई थी और कैसी बातें हुई थी। क्या कत्ल से पहले या फिर कभी भी उसने अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता जाहिर की थी, इसलिए सीबीआई उसके दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि सीबीआई भी अभी तक अंधेरे में है, उन्हें भी अभी तक कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। सीबीआई का कहना है कि पहले जिन सवालों का जवाब ढूंढा जा रहा है वह यह है कि क्या उस दिन क्राइम सीन पर संजय के अलावा कोई और भी था या फिर यह पहले से कोई साजिश थी। फिलहाल इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए सीबीआई एक साथ कई दिशाओं में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। वह पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए आरोपी संजय रॉय से पूछताछ कर इस मामले का पूरा सच जानने की कोशिश कर रही है। साथ ही वह यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या संजय रॉय सिर्फ एक मोहरा है या फिर वह अकेला ही ट्रेनी डॉक्टर का कातिल और गुनहगार है। यह चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो अपराधी पकड़ा गया है जिसका नाम संजय रॉय है, जो कि इस हॉस्पिटल में हर जगह फ्रीली घूमता रहता था, यानी उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। जो चीजें 2001 में इस हॉस्पिटल में होती थीं, अब 2024 में संजय के फोन में भी उस तरह का हार्ड टिंग पोर्नोग्राफी मटेरियल मिला है, यानी ऐसी ब्लू फिल्म्स जिसमें किसी को यातनाएं देकर संतुष्टि मिलती हो। इस तरह की पोर्नोग्राफी मटेरियल संजय के फोन में मिले थे, वह भी एक नहीं कई वीडियो मिले थे। यानी आप उसकी मानसिक प्रवृत्ति के बारे में सोच सकते हैं कि जब वह इस तरीके का क्रूर कृत्य कर रहा था तो उसके दिमाग में किस तरह का घिनौनापन चल रहा होगा। खैर, हम आपको पूरी कहानी पहले ही बता चुके हैं और हमारा मकसद यही था कि आपको यह बता सकें कि इस हॉस्पिटल के अंदर यह पहली बार नहीं था। इसके पहले भी कई ऐसे केस हैं जिनकी फाइलें दबाकर रखी गई हैं। लेकिन अब यह पूरा मामला सीबीआई के हाथ में आ चुका है तो सीबीआई इसकी भी पुख्ता जांच जरूर करेगी कि क्या इसमें संजय रॉय के अलावा कोई और भी शामिल है। क्योंकि अब तक जिस तरह से कहा जा रहा है कि किसी एक अपराधी द्वारा इस कृत्य को नहीं किया जा सकता और जिस तरीके से क्रूरता और बर्बरता उस डॉक्टर के साथ की गई है उसमें संजय रॉय बिल्कुल भी अकेला नहीं हो सकता। इसके अलावा सीबीआई की टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे डॉक्टर संदीप घोष से भी पूछताछ करने की कोशिश कर रही है ताकि इस मामले से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढे जा सकें। क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की कार्यशैली पर भी इल्जाम है जिसके चलते इस घटना के बाद तुरंत उन्हें आरजी कर मेडिकल कॉलेज से हटा दिया गया है। लेकिन जब संदीप घोष को सीबीआई की तरफ से जांच के लिए कहा गया तो उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि उनकी जान को खतरा है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर संदीप घोष को लगता है कि उनकी जान को खतरा है तो उन्हें प्रोटेक्शन देकर सीबीआई तक पहुंचाया जाएगा, और अगर वह यह भी नहीं कर सकते तो फिर सीबीआई उनके घर जाकर उनसे पूछताछ करेगी। शायद पहली बार इस पूरे मामले में सीबीआई द्वारा या फिर किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा प्रिंसिपल संदीप घोष से पहली बार पूछताछ की गई है। यानी यह इतना पावरफुल आदमी है कि आज तक इससे किसी भी मामले में कोई भी पूछताछ नहीं की गई थी। लेकिन अब देखना यह है कि सीबीआई इस केस को सॉल्व कर पाती है या नहीं। क्या सीबीआई उस मासूम बच्ची को इंसाफ दिला पाएगी या फिर यह केस भी सौमित्र विश्वास केस की तरह ही फाइलों के नीचे दबकर रह जाएगा और उस बच्ची के गुनाहगार यूं ही आजाद घूमते रहेंगे। खैर दोस्तों, हमारा और आपका काम है आवाज उठाना। हालांकि देश भर में जगह जगह डॉक्टर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उस डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिल सके।
दोस्तों, इस हत्याकांड में क्या सच में कोई बड़ा रसूखदार शामिल है या यह सिर्फ एक साजिश का हिस्सा है? क्या हमारी सीबीआई इस गुत्थी को सुलझा पाएगी या यह मामला भी दबा दिया जाएगा? इन सवालों के जवाब हम जरूर ढूंढेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।